आज की वीडियो में कुछ इस टाइप से एडिटिंग सिखाएंगे। आप स्क्रीन पे देखते तो HDR अपना फेस स्मूथ करना और इस तरह से ऑयल पेंट करना अपने हेयर पे देखते तो हमारा ओरिजिनल फोटो कितना ज़्यादा बेकार है गाइस, ये देख सकते हो ठीक है ना। इस तरह से कुछ ब्लैक है और कितना ज़्यादा धब्बे दाग धब्बे और कितना ज़्यादा पिंपल लग रहे ठीक है ना गाइस। हमारा एडिट करने के बाद कितना ज़्यादा होता है ओसम और फेस वाइट हो चुका है ठीक है ना गाइस। आपको इस तरह से एडिटिंग सीखने के लिए कुछ करना, लास्ट तक वीडियो देखना है। सिंपली हमारा ओरिजिनल फोटो सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। सो ओके गाइस, लाइटरूम में ओपन होता है कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो हमारा फोटो अभी गैलरी शेयर किया ठीक है। इतना बार सिंपली इस वाले फोटो पे आना और इसका प्रीसेट कॉपी कर लेना। इस पर थ्री डॉट पे क्लिक करना और कॉपी सेटिंग पे सिंपली क्लिक करना और इस तरह सेटिंग कॉपी करके फिर से डन पे क्लिक करना ठीक है। डन पे क्लिक करने बाद सिंपली थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना, जैसे तो ये थ्री डॉट का आइकन है ठीक है ना। इस थ्री डॉट पे आइकन पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे आइकन पे क्लिक करना बाद एक कॉपी सेटिंग का आइकन है सिंपली ठीक है ना। ये देख सकते हो इधर नीचे पे आएगा कॉपी सेटिंग पेज सेटिंग सॉरी गाइस ठीक है ना। पेज सेटिंग का आइकन है, सिंपली पेज सेटिंग पे पेस्ट कर देना ठीक है ना। पेस्ट करते हैं इस तरह से हमारा फेस वाइट हो जाएगा, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इतना बाद कुछ नहीं करना गाइस, इस तरह स्क्रॉल करना और इस तरह स्क्रॉल करने के बाद सिंपली लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और इस तरह से कंट्रास्ट को इस तरह से हल्का सा प्लस कर लेना ठीक है ना। प्लस प्लस करने के बाद सिंपली हाईलाइट को इस तरह से प्लस करना है और इसको प्लस करना गाइस, शेडो को और वाइट को भी इस तरह से हल्का सा प्लस कर लेना है। सॉरी गाइस, इसको माइनस कर लेते ठीक है ना, 15 माइनस कर लेना और ब्लेस को हल्का सा इस तरह से प्लस कर लेना। इतना होने बाद देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर में फोटो देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइट हो चुका ठीक है ना गाइस। आपको कुछ नहीं करना, खाली फेस वाइट आपको सीखना ठीक है ना। आप सारा काम कर ले तो फिर फेस वाइट नहीं हो पाता है। आप चश्मा में कलर भी कर लेते हो और अपना लिप पे भी आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो ठीक है ना। वो भी आसान है, बहुत सारी वीडियो मैंने बताया और ओनली आपको फेस वाइट करना सिखाना ठीक है ना। ये कोई भी काम में दूसरा नहीं सिखाता हूँ ठीक है ना। आपको अच्छे से फेस वाइट करना सीखना, इतना ज़्यादा फेस वाइट हो चुका है। अब इतना बात कुछ नहीं करना, सिंपली गाइस इस वाला आइकन पे आना, आपको देख सकते हो इस तरह स्क्रॉल करना है और इस वाला आइकन पे आ जाना ठीक है ना। इस तरह स्क्रॉल करना, इस वाला आइकन पे आने बाद सिंपली सॉरी गाइस फिर से क्लिक करता, इस वाला आइकन हल्का सा प्लस करना और इस वाला आइकन को इस तरह से 100 प्लस और डिटेल को भी 100 प्लस और मिक्स किंग को वाला को भी 100 प्लस और नॉइज डिटेक्शन को भी 100 प्लस जैसा तो ठीक है ना गाइस। और डिटेल को फिर से 100 प्लस, कंट्रास्ट को भी 100 प्लस और कलर नोडिक्शन रेडिक्शन को इसको भी 100 प्लस और डिटेल को फिर से 100 प्लस और इसको वाला आइकन को भी 100 प्लस ठीक है ना। 100 सबको प्लस कर लेना गाइस, ताकि हमारा फेस फटे ना बिल्कुल एक जैसा एक लेवल में स्मूथ हो पाए, स्मूथ करेंगे तो ठीक है ना गाइस। इस वाले फोटो को सिंपली ऑटो टैग एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो क्लिक करते हैं मैं खाली ओनली ऑटो टैग में हमारा फोटो इंप्रूव होने लग जाएगा ठीक है ना। इस तरह से इंप्रूव होने लग जाएगा, अब स्क्रीन पे देख सकते हो। इतना बस सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करना और ब्रश दे देना। कोई ब्रश लेना गाइस, कोई जरूरत नहीं ये ब्रश लेना और इससे ये ब्रश ले लेते गाइस, कोई जरूरी नहीं कौन से ब्रश से हम एडिटिंग बना सकते हैं ठीक है ना। इस तरह जूमआउट करना, उस लेयर पे क्लिक करना और प्लस वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, सिंपली इस पे दाब देना ठीक है ना, ताकि डुप्लीकेट लेयर बन जाए। उसका कुछ भी आप सॉफ्ट लाइट कुछ भी कर पाओ ठीक है ना। आपको मैं पूरा रियल सिखाता हूँ ठीक है ना, कोई फेक नहीं। और इस तरह से कोई बात नहीं, कहीं बाहर आ गया तो चला गया, चश्मा जैसे लगेगा ठीक है ना। इस तरह से अप्लाई करने बाद देखो तो अच्छे से अप्लाई हो गया। इसके बाद फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, सॉरी गाइस फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना और फिर से इस पहले डुप्लीकेट लेयर बना लेना। इसके बाद लिप पे अप्लाई करना ठीक है ना, इस तरह छोटा कर लेना फिर लिप पे अप्लाई करना देखो तो इस तरह से, इस तरह से अप्लाई कर लेना। स्किन पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है ना। पूरा एडिटिंग का रियल, कोई फेक नहीं बताते ठीक है ना। इतना बस सिंपली देख सकते हो लिप, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा हमारा लिप जो है रेड हो गया ठीक है ना। अभी इसको इसका ऑपेसिटी अच्छे से इंक्रीज करते और इसको अच्छे से एडजस्ट करते ठीक है ना। सिंपली लेयर पे क्लिक करना और नॉर्मल मोड पे क्लिक कर देना ठीक है। नॉर्मल मोड पे क्लिक करके तो सॉफ्ट लाइट का आइकन दिया गाइस, अब स्क्रीन पर अपना वीडियो बिल्कुल भी आपको रोटेट करके देखना ठीक है ना। सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देना है, सॉफ्ट लाइट का आइकन आपको दिख ही रहेगा स्क्रीन पर ठीक है ना। एरो करने की जरूरत नहीं, इतना सॉफ्ट लाइट हो जाएगा। इन बार अपने हिसाब से इस तरह से रख सकते हो, मैं तो 100 रखूँगा, 100 अच्छा लग रहा है ठीक है ना। इतना होना बाद सिंपली आप फेस स्मूथ के बारे में ठीक है ना गाइस। आपको फेस स्मूथ करना बिल्कुल भी नहीं आता, फेस स्मूथ करके मैं दिखाता हूँ ठीक है ना। सिंपली इस वाला आइकन पर क्लिक करना और कौन सा ब्रश ले लेते हैं जिससे हम फेस स्मूथ कर सकते, सॉरी गाइस ये वाला ब्रश ले लेता हूँ ठीक है ना। इसका सेटिंग देख लेना गाइस, इसका सेटिंग गाइस नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। और इस तरह से इसको कुछ स्क्रॉल करते हैं इस तरह से गाइस ठीक है ना, इस तरह से। और इसका कोई सेटिंग नहीं आ रहा कोई बात, कहीं दूसरा ब्रश ले लेते ठीक है ना। इसके बाद सॉरी गाइस इसको कटआउट करते हैं और इस वाले ऑप्शन पर आते हैं और सिंपली गाइस कोई और ब्रश ले लेते हैं हम, ताकि अच्छे से फेस हमारे स्मूथ हो पाए। गाइस ये वाला ब्रश ले लेते हैं, इस वाले ब्रश का सेटिंग देख लेना ठीक है ना। इस पर आते हैं, उसके कहीं सेटिंग नहीं खुल रहा है गाइस, क्या हो गया क्या बता। सेटिंग कैसे मैं देखूँ ठीक है ना गाइस, वो कुछ नहीं करना, इसका सेटिंग नहीं दिख रहा, क्या कर सकते हैं। सॉरी गाइस और ये वाला ब्रश सिंपली इस वाला ब्रश का सेटिंग हम देख सकते हो ठीक है ना। इसका सेटिंग नहीं गाइस और इसका जो हमारे देख सकते हो साइज नहीं दिख रहा ठीक है ना। सॉरी गाइस दूसरा ही ब्रश ले लेते, अभी इस ब्रश से नहीं होगा स्मूथ। सॉरी गाइस इस वाले सिंपली हम तो ये वाला ब्रश लेते, ये वाला ब्रश आप ले लेना ठीक है ना। तो सेटिंग 1 रख लेना, आपको सेटिंग नहीं दिखाएगा ठीक है ना। इस तरह से कुछ रख के सॉरी गाइस, और आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से फेस स्मूथ करना ठीक है ना। इस पर इस तरह रख के और इस तरह जूमआउट करना है, इस तरह जूमआउट करके और अपने फेस इस तरह से स्मूथ करना गाइस ठीक है ना। सिंपली इस वाले लेयर को रखना गाइस, हमने इस वाले पे रखना है
और इस तरह से फेस स्मूथ करना है गाइस। तो स्किन पे कितना अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से अपना साइज अपने हिसाब से इंक्रीज कर करके और इस तरह से हाई क्वालिटी पूरा एच डी में हमारा फेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। और इसी तरह से फेस स्मूथ होगा गाइस, और किसी भी तरह से फेस स्मूथ देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी एच डी में पूरा फेस हमारा स्मूथ हो चुका गाइस, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करना आपको पहले फेस स्मूथ, जब भी फेस स्मूथ करना सीख पाओगे गाइस बहुत ही कम टाइम में, इस तरह से फेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। इतना फेस स्मूथ हो चुका गाइस, और इधर से बारीकी से फेस स्मूथ करना, बिल्कुल बारीकी से गाइस, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना और टाइम देके अपना फोटो एडिटिंग करना है, देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।